मैं ओला के सर्विस सेंटर में आज आया हूँ। मैंने अपनी ओला 24 अक्टूबर 2022 को बुक कराई थी, जो कि जब इनकी फुल पेमेंट की डेट आई तो लगभग इन्होंने बोला था कि अप्रैल में आएगी, लेकिन अप्रैल में ना आके इनकी डेट आई है 27 जुलाई 28 जुलाई 2023 के आसपास इनकी डेट ओपन हुई थी फुल पेमेंट की। मैंने फुल पेमेंट कर दी अपनी ओला परचेज करने के लिए। इन्होंने मेरे को फुल पेमेंट करने के बाद डेट दी 28 अगस्त, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को ओला डिलीवर नहीं की। मैं तो सर्विस सेंटर रेगुलर विजिट कर रहा हूँ, तो इनके पास फिर इन्होंने मेरे को नेक्स्ट डेट दे दी 28 सितंबर। सितंबर को भी मेरे को ओला एक्टिवा नहीं मिली। उसके बाद मेरे पास डेट आई 9 अक्टूबर 2023, लेकिन आज 10 अक्टूबर 2023 हो गया, अभी भी कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं है और एक्टिवा ये स्कूटी ये दे नहीं रही हैं। तो आप लोग ही देख लो इनकी कैसी सर्विस है, लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो कहता हूँ ओला लो ही मत। मैंने पैसे पता नहीं कैसे करके इनको पैसे दिए थे, एडवांस दिए थे, लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ख़राब है ओला वालों का। पता नहीं अब लेने से पहले पेमेंट लेके अब ये हाल है तो बाद में इनका क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अपने रिस्क पर ही ओला लें। अब ये लोग अभी आए हैं, ये अंदर चले गए, इनसे रिव्यू लेते तो अच्छा रहता। चलो नेक्स्ट टाइम हम ये भी काम करेंगे।